बच्चा चोर के शक में भीड़ द्वारा पीटा गया अलीपुर द्वार माझे डाबरी चाय बगान में एक व्यक्ति को। परिस्थिति को संभालने के लिए पुलिस को लाठी चार्ज एवं आंसू गैस छोड़ना पड़ा, जिसके चलते कई लोग घायल हुए हैं। कई दिनों से ही रात के अंधेरे में माझे डाबरी इलाके में बाहर के किसी बच्चा चोर के आने का आतंक छाया हुआ था। आज सुबह सुबह बगान के चौकीदार आशंकाजनक हालात में एक व्यक्ति को घूमते फिरते देखते हैं, साथ ही साथ उसको चौकीदार द्वारा पकड़ लिया जाता है। चाय बगान के मजदूरों की मदद से जैसे ही यह खबर मजदूरों में फैल जाती है, उत्तेजित जनता घटित होकर उसे बुरी तरह मारना पीटना शुरू कर देती है। खबर मिलते ही चाय बगान में पहुँच जाते हैं बगान के मैनेजर। अज्ञात व्यक्ति को वहाँ से उत्तेजित जनता के हाथों से बचा कर अपने ऑफिस लेकर आते हैं, लेकिन ऑफिस के दरवाजे को तोड़कर उत्तेजित लोग घुस जाते हैं और ऑफिस में घुसकर उसे फिर मारना चालू कर देते हैं। अलीपुरद्वार थाने की पुलिस आकर मामले को संभालने की कोशिश करती है, लेकिन स्थिति को बिगड़ते देख उनके द्वारा लाठीचार्ज और आंसू गैस छोड़ना पड़ता है, जिसके चलते बगान के कई मजदूर घायल होने की खबर मिली है। घायल हालात में उस अज्ञात परिचय व्यक्ति को वहां से बचाते हुए अपने साथ ले जाती है पुलिस। अलीपुरद्वार जिला के पुलिस अधीक्षक नागेंद्र नाथ त्रिपाठी बताते हैं, आज सुबह सुबह माझे डाबरी चाय बगान में हमें खबर मिली कि संदेहजनक परिस्थिति में एक व्यक्ति को पकड़ा गया है वहां के मजदूरों द्वारा एवं उसे बुरी तरह मारा पीटा जा रहा है। पुलिस वहां पहुंचने पर पुलिस प्रशासन को रोका जाता है स्थानीय लोगों द्वारा, जिसके चलते पुलिस द्वारा लाठीचार्ज और आंसू गैस छोड़ना पड़ता है। जिस व्यक्ति को पीटा गया है उसका नाम सनूज ऋषि बिहार का रहने वाला है। घायल हालात में पुलिस ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया है। पूरी घटना में पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है। आज के सकाले अमराव खान के टी गार्डन थे एक इन्फॉर्मेशन पेलम कि एक लोग के जे टी गार्डनर वर्कर अच्छे वाला मार्च होके गन पिटुनी स्टार्ट करे छिलो, तो इन्फॉर्मेशन पावर पर संगे संगे हमरा पुलिस पार्टी के खाने रवाना करलम। ওই লোককে যে ছিল ওকে নিয়ে একটু বাঁচানোর চেষ্টা হলো, ওকে নিয়ে একটু যে টি গার্ডেনের ম্যানেজার আনি উনি ভি অনেক হেল্প করেছেন, বাট যে পাবলিক ছিল ও অনেক উদ্ধার ছিল, ও ছাড়তে চাইছিল না ওকে, সো দ্যাট রি এনফোর্সমেন্ট পাঠানো হলো, আইসি স্ব্যাম গেল ওখানে আর একটু হালকা লাঠিচার্জ আমাকে মাইল্ড ফোর্স ইউজ করতে হয়েছে আর একটু ওই টিয়ার গ্যাস আমরা ইউজ করেছি আর লাস্টে ওই লোককে বাঁচিয়ে এখানে হসপিটালে আমরা অ্যাডমিট করেছি। কি মনে হচ্ছে এরকম একটা অমানবিকভাবে মারা হয়েছে তাকে? বেসিক্যালি আছে কি পাবলিক যে মব সাইকোলজি যে আছে মব সাইকোলজি নিয়ে হচ্ছে, ওরা বলছে কি এই যে লোক আছে এমন যে লোক আসছে এরা আমার ছেলেকে মেয়েকে নিয়ে চলে যাবে, বাট আমরা চেক করেছি কোনো এমন জিনিস তো নেই, লাস্ট ওয়ান ইয়ার টু ইয়ার্স এখানে কি কোনো ছেলেকে মেয়েকে নিয়ে বাড়ি থেকে কেউ চলে যায়, শুধু এক সাসপিশিয়ান সাসপেক্টভাবে আপনি যে কাউকে ট্রিট করে ওকে গান পিটুনি স্টার্ট করে দিয়েছে, নির্দোষ মানুষ আছে যে আপনারা পাচ্ছেন কি ঠিক আছে ওর গতিবিধি সাসপিশিয়াস আছে, আপনি নিশ্চয়ই থানা আছে ওর জন্য আইন ব্যবস্থা করা আছে ওকে জানাবেন, যে প্রশাসন কিছু না করলে তাহলে আপনারা কিছু কারবাই করলে আমরা ভাবতে পারতাম, বাট প্রশাসন যে আপনার সঙ্গে থাকছে, আমরা একে নিয়ে অনেকটা অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম বি করেছি, মাইকিং করেছি, তারপরে মিটিং করা হচ্ছে, তারপরে যে এমন দুর্ঘটনা হয় দুর্ভাগ্যজনক, আর এর ভিতরে যে দোষীরা আছে দুষ্কৃতীরা আছে যে ইনস্টিগেট করছে ওনার এগেনস্টে আমরা অ্যাকশন।